नतीजों पर लोगों की नजर टिकी हुई है। 8 दिसंबर को असल नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल, जिसे अब दूसरा नाम एग्जैक्ट पोल भी दिया गया है, आज तक एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल हम आपको दिखाने वाले हैं। इसमें हम आपको यही बता रहे हैं कि आज तक पर एग्जिट पोल चौंकाने वाला आने वाला है। यहाँ तमाम पार्टियां जो बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठी थी, उन सबका क्या होगा, सस्पेंस खत्म नहीं करेंगे आपके लिए। लेकिन बहुत सारे बिंदुओं पर, क्योंकि गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला की जमीन भी इस देश में बनी है, तो दूसरी तरफ विकास की भी बहुत बड़ी वो एक तरह से पॉलिटिक्स का, गुजरात मॉडल का जिक्र होता है। इसी गुजरात में पटेल समुदाय की राजनीति पर जो असर है, उसका भी जिक्र होता है कि 40 से ज्यादा सीटों पर वो असरदार है। पिछली बार इन्हीं पाटीदारों की नाराजगी का असर था कि बीजेपी को 99 पर सिमटना पड़ा था। इस बार लेकिन एंटी इनकम्बेंसी 27 साल का या फिर प्रो इनकम्बेंसी, जिसका दावा बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े फैक्टर बने? नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए, क्या ये हिंदुत्व पर एक बार आम आदमी पार्टी का कहीं से भी काम आएगा? कांग्रेस कहती रही हम साइलेंट डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वो कैंपेन रणनीति या फिर बड़ी चूक? जो अरविंद केजरीवाल ने लिखकर नतीजे दिए, उनकी स्याही सच या फिर गलत? दूसरी तरफ बीजेपी के उस दावे में कितना दम कि प्रो इनकम्बेंसी है या फिर एंटी इनकम्बेंसी? तो अब गुजरात की बारी आने वाली है, और गुजरात के बारे में हम आपको बताना शुरू करेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि यहां पर भी हमने पुरुषों से, महिलाओं से अलग अलग वोट किए हैं, हर वर्ग में पूछे हम कि क्या है उनकी राय, किस पार्टी की तरफ वो जा रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट पड़े हैं। अब हम गुजरात के कुछ ही देर में आपको आंकड़े दिखाने वाले हैं, और फिर लिए चलेंगे राजीव हमारे सहयोगी गुजरात के आंकड़े आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल आपने देख लिया, दिल्ली एमसीडी हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी जीत रही है तो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती दिख रही है हिमाचल प्रदेश में। मुझे लगता है कुछ सेकंड्स का इंतजार है। सुप्रिया, आप हाथ उठा रही थी, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी सरेंडर करने को शर्मा जी तैयार नहीं हो रहे हैं। नहीं, वो अलग बात है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का आई थिंक राइट और अधिकार सबको है, बिल्कुल देखने चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूं, कि जो एक्चुअल नंबर आएगा वो 40 से बहुत ज्यादा आएगा। एक छोटी सी बात हिमाचल के लिए जरूर कहना चाहती हूं, क्योंकि हिमाचल का प्रपोर्शन ऑफ लोग, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन वर्सेस जो लोग आर्मी में जाते हैं, वो देश में हाईएस्ट है। और वहां पर जब आपने ये अग्निवीर जैसी स्कीम लाए, उसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। और ये मैसेज है इस देश की जनता का कि जब जब आप गलत नीति बनाइएगा तो जनता उसका प्रतिकार जरूर करेगी। आप सुनना चाहिए अच्छी बात है, ना सुनना चाहिए अलग बात है। लेकिन एक बात यह भी अंजना जी याद दिलानी जरूरी है, और आप लोगों ने यह कवर भी किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल में कहा था कि मेरा चेहरा देखकर वोट दो, और अगर यहां पर वोट नहीं मेरे उस पर पड़ेगा तो यह मेरा व्यक्तिगत नुकसान होगा। मोदी जी ने अपने चेहरे पर वोट मांगा था, उसको भी नकार दिया है जनता ने। तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है आज। शर्मा जी, इस पर रिस्पॉन्स आपका? एक छोटा सा रिएक्शन दे दूं मैं इनका। नहीं, मैं इतना सा बता दूं, सेना की बात करना कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से अच्छी बात नहीं लगती मुझे। जो सेना के चीफ कमांडर को गुंडा कहते हो, जो एयर स्ट्राइक और उसपे सेना से सबूत मांगते हो, और उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि सेना उनके साथ खड़ी हो रही है, सेना के लोग? क्योंकि यही लोग हैं जो सेना का अपमान करते हैं सबसे ज्यादा। लेकिन घिसे पीटे नहीं है जनाब, आप ये आपके कृतित्व जो है, आपके अब बीच में मत बोलिए, सुनिए जी, बीच में ना बोले। मैं आपको इतना कह दूं कि आपके जो ये इतिहास है ना, आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके माथे पर ये चपक के दिखते हैं कि इस तरह से सेना का जो अपमान है। रही बात अग्निवीर की, तो अग्निवीर पर मैं आपसे आज भी कहता हूं कि यदि व्यक्तिगत वहां पर आप सर्वे भी कराएंगे तो आपको उसका लाभ, उनका के लोगों की अपेक्षा उससे जुड़ी है और उनको उसका लाभ दिख रहा है। ठीक है, आप प्रचार कर सकते हैं, माननीय मोदी जी की बात में एक बात कहकर समाप्त करता हूँ। चित्रा जी, मोदी जी की जहां तक प्रश्न है, मैं आज भी आपको बता दूं कि हिमाचल की जनता और खासकर माता बहने जो है वहां की, वो जो है मोदी जी के प्रति जितना अपनत्व उनकी रैलियों में दिखा या जाते हैं तब वो लोगों से जिस तरह से जुड़ा है, जितना अपनापन हिमाचल की जनता का उनके साथ, वो दिखेगा आपको भारी है। लेकिन फाइनल जो नतीजे एग्जिट पोल के ही सामने आए हैं, उसमें बीजेपी पीछे है, इस बात को भी स्वीकारिए। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ कुछ ही देर में। गुजरात का एग्जिट पोल हम देश के सामने रखेंगे,
27 सालों से वहां पर बीजेपी की सरकार है। क्या माधव सिंह सोलंकी के रिकॉर्ड को कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया था उसको तोड़ेगी बीजेपी, जिसका दावा बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से गुजरात में किया गया है, या फिर अपने ही 127 सीटों का 2002 का आंकड़ा वो क्रॉस करेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी बना लेंगी वहां पर सरकार, क्या होगा गुजरात का? कुछ ही देर में वो आंकड़े रखेंगे, लेकिन प्रदीप जी हमारे पास आ गए हैं एक बार फिर से। प्रदीप गुप्ता जी, हिमाचल का आंकड़ा हमने देश के सामने रख दिया है, मार्जिन थोड़ा कम जरूर है, वोट प्रतिशत में 2% का ही फर्क है, लेकिन सीटों में जब वो कन्वर्ट होता है तो कांग्रेस को फायदा पहुंचाता है। यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से सुप्रिया जी का दावा है कि 40 सीटों को हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर बीजेपी फेल रही थी। जल्दी से इस पर एक टिप्पणी आपकी। नहीं, अब सुप्रिया जी बताएंगी वो तो कैसे आगे क्रॉस करेंगी, हमारा पोल तो ये कहता है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में यहां की एक विधानसभा में करीब टोटल 80,000 वोटर होते हैं और 75% लोगों ने भी वोट किया, तो इसका मतलब हुआ केवल 60,000। तो यहाँ पहाड़ों के ऊपर मार्जिन इतना कम होता है कि दावे के साथ किसी भी बात को कह पाना मुश्किल काम।